मतलब हर बात पर लुक्स मैटर नहीं करता, मतलब कुछ करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। ऐसे शॉट चालू है, यस। कर रहा है हमारा जड्डम। इसका पैन मत 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 ऐसा मत कर, पब्लिक भयंकर हो जाएगी। तो हे गाइस, आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बात बतानी आप लोगों को, मतलब जब मैं गांव में जाता हूँ भिंडी बेचने बाइक पर, तो मेरे बहुत ही फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर मेरे गांव के, तो बोलते हैं कि भाई आप भिंडी पे भी ब्लॉग बनाओ। यार कैसे बनाऊँ मैं भिंडी पे ब्लॉग, मतलब मैं अकेला ही भिंडी बेचने जाता हूँ, तो कैमरा पकड़ने या मेरा मोबाइल पकड़ने को ही नहीं रहता शूट लेने के लिए। मतलब मैं भिंडी भी बेचूँ और ब्लॉगिंग भी करूँ, तो ऐसा कुछ एडजस्ट नहीं हो पाता। तो चलो आज हम हमारे खेत में जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स लोग आगे जा चुके हैं भिंडी तोड़ने, तो चलो मैं भी जाऊँगा। सो हे फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ चुका हूँ आधे रास्ते पर, और यहाँ से बाइक नहीं जा पाती इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं हमारे खेत की ओर। जो भी फ्रेंड्स लोग शहर या शहर से विदेश जा चुके हैं, मैं उन लोगों को कभी भी गाँव की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। देख सकते हो गाँव का सीन। मेरे फ्रेंड्स, अभी ये बरसात का दिन आने वाला है और खेती का काम पूरा लगभग चालू हो गया है, सो देख सकते हो आप लोग। सो है फ्रेंड्स, फाइनली मैं मेरे खेत के पास आ चुका हूँ। ऊपर गया तू आई ना, कौन था? अरे बोल ब्रो, तू किधर है अभी? क्या रूम पे बैठा ले तू यार, ऐसा क्या कर रहा? फ्रेंड्स, अभी जो मैं फ़ोन में बोल रहा था, मेरे भाई से बोल रहा था, मेरे काका का लड़का था वो, तो उससे ऐसी बात कर रहा था कि वो अभी मुंबई में गया है जॉब के लिए, वो वेनलेस मेडिकल है, वहाँ काम कर रहा है। तो हमको हम उसको ऐसा ही क्या बना रहे थे कि हम उधर आएंगे, हम गुजरात जा रहे हैं, तू मुंबई में है, तू बिना बताए तू मुंबई चल गया, तो हम भी बिना बताए गुजरात जा रहे हैं, ऐसे बोला कुछ ना कुछ एड़े बना रहे थे उसको हम ऐसा ही। मैच को ऑनी ऑन बोलते इंग्लिश में, बेंडी को लेडी फिंगर क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं क्या पब्लिक, बताना मुझे कमेंट में भेंडी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। और फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड लोग का बोलना है कि जब तक हमको कलिंगर नहीं खिलाएंगे तब तक हम कुछ हाथ नहीं लगाने वाले तेरी भेंडी को। अरे खिलाएगा ना, रुक ना जरा, कब खिलाएगा यार, बहुत देर। अरे मेरा भाई गया है ना उधर लेने के लिए, खाना नहीं खाया, कलिंगर खाएगा ना अपना खेत का, तेरा जैसा मीठा है, तू जितना मीठा है ना, तू मीठा है ना। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स थे वो आधी लाइन तोड़कर चल गए, बस क्या बताओ, कलिंगड़ खा लिया, आम भी खा लिया, और वो दो जनाए थे मेरे दो फ्रेंड्स, क्या नाम था उसका, रितेश और जम्बो, वो दोनों चल गए अभी, घर चल गए वो, अभी क्या दिखा रहा था। तो मेरा भाई है, अभी हम जाएंगे खेत में और जितनी भी अभी भेंडी बची है उसको तोड़ के घर जाएंगे। सो लेट्स गो, कैसे भेंडी तोड़ते आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलो, मुझे बहुत ही प्यास लगी थी तो दादू को बोला मैं, नहीं नहीं जा पाएगा तू, सो दादू मेरे लिए पानी लाया एक बाल्टी में, सो थैंक यू दादू। ये देखो ऐसे इसमें पानी पीते, हम बाटली आधी काट के, वो साइड में गाड़ी की आवाज़ आ रही है ट्रेन की, झुक 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 झुक। ये मेरा भाई क्या कर रहा है, ऐसा कलिंगड़ खा लिया है, देख सकते हो आप, झूम करके देखो, मिला नहीं, हाँ खराब निकला, थोड़ा खराब निकला, और एक दो तो खराब आती है ना। हे गाइस, मेरा भाई सच में ऊपर चढ़ गया यहाँ से, वो छलांग मार के, अरे मत मत दादू, मत दादू ऐसा मत कर दादू, अरे अरे गिरेगा ना मेरा भाई। देखो कितना ऊपर चढ़ गया राहुल धवन, ये देखो और एक बच्चा गया हमारा। सो चलो भाई, पब्लिक कंटिन्यू रहो, लास्ट तक ब्लॉग देखो, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस, व्यूज देख लो यार, थोड़ा सीन देखो यार, क्या खड़क दिख रहा है बहुत ही अच्छे से। सो देख सकते हो भिंडी अपनी यहाँ से वहां तक, और बैंगन है दो तीन झाड़ घर के लिए बस, और यार साइड में क्या कलिंगड़ दिखाता हूँ तुम लोगों को, ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखो यार छोटे छोटे कलिंगड़ है, और दो तीन कलिंगड़ तो खा लिया, तो सो आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि हम खाने में व्यस्त थे, और देखो बाकी खराब हो गए, एक खराब पैर के नीचे कलिंगड़ बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन तब अंदर से बहुत ही लाल। सो है गाइस, ये बाल्टी देख रहे हो आप, इस बाल्टी में तोड़ते हैं हम भिंडी, या हम भाई के पास छोटी है और हमारा दादू मेरे में यह एडजस्ट करेगा। तो मेरा भाई कैसा तोड़ रहा है देख सकते हो आप लोग, कटाकट काट कटाकट। अभी ये सब तोड़ के और 4 बजे मेरी बाइक लेकर बेचने जाऊंगा गांव में। वो बाइक कौन सी?
मेरी बॉक्सर वाली बाइक पर मैं बेचने जाऊंगा, जो जितने भी हमारे गांव है 3-4 उस गांव में जाऊंगा बेचने के लिए। हमारे जो छोटे छोटे गांव है 4 ही गांव में जाऊंगा। तो चलो अभी मैं भी तोड़ता हूँ, मुझे टाइम पास नहीं करने का, मुझे पटाखे तोड़ने का। सो लेट्स गो। सो हे गाइस, मैं भी तोड़ रहा हूँ और ऊपर से बहुत ही धूप गिर रहा है, क्या बताऊँ। और अभी मेरा जो शूट ले रहा है वो हमारा दादू ले रहा है, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे भी लिया हमको। ये देखो फील्ड का, ये देखो ऐसे बाल्टी में जमा करके एक थैली में ले जाएंगे, थैली में भर के ले जाएंगे। ऊपर कुंडोला नहीं पाया ना। और साइड में देखो, साइड में एक गवार है, गवार फली करने का एक थैली। बहुत ही काम है पब्लिक, क्या बताओ आप लोगों को। और धूप बहुत ही गिर रहा है भाई का, दिखा ना थोड़ा, क्या पब्लिक बोलना यार। बहुत धूप गिर रहा है, ऐसा धूप गिर रहा है कि पूरा बचपन भी याद आ गया मेरे को आज। पीछे सरक रहे, बचपन नहीं नानी याद आ गई। बचपन याद आ गए मेरे, बचपन नानी नाना सब याद आ जाते हैं ऐसे धूप में। ऐसा धूप है लेकिन बहुत धूप गिर रहा है। तभी काम तो करना मांगता ना ब्रो, काम तो करना ही पड़ेगा ना यार। ये भिंडी तोड़ने का है, शाम को मेरा भाई चार बजे जाएगा बेचने के लिए। सिटी का बंदा काम नहीं करता है, इसको बोलता है गांवटी। क्या बोल रहा, ऐसे किसी को कंपेयर मत कर। नहीं भाई वो तो है, लेकिन काम कर रहा है, गांवटी रहता है भाई। गांवटी कैसा काम करता है देख, एफएडी है। अपन खुद काम कर रहे हैं ना, खुद अपने अपने में ही खुश रहो, दूसरों को कंपेयर मत करो। वो एक पीछे बेटी छोड़ के चला गया। सो हे गाइस, बहुत ही प्यास लगी तो अब मैं चला कुएं के पास पानी पीने के लिए, तो अभी पानी पीऊँगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मुझे कुछ बताने, मुझे कुछ पब्लिक बोलती है कि यार तेरा लुक्स ऐसा क्या है, मतलब तू पहले कैसा था, अभी 2-3 महीने ही तू पहले कैसा था और अभी कैसा है। लुक्स मैटर नहीं करता ब्रो, लुक्स मैटर नहीं करता, मतलब कुछ करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। सो छोड़ो इन सब बातों को, मैं आया हूँ इस कुएं के पास पानी पीने के लिए। सकते हो आप लोग, गिर जाऊंगा। ये देखो ये बड़ा कुआ, अभी मैं ढास पानी का लेता हूँ थोड़ा। साइड में भाई लकड़ियाँ काट रहे हैं उनके खेतों के लिए, ठिबक नली के लिए लगते हैं वो सब, आपको नहीं समझ में आएगा। सो हे गाइस, पानी पीकर हो गया मेरा प्यास बुझी, थोड़ी राहत मिली काम करने के लिए। तो चलो थोड़ा काम बाकी रह गया अपना, तो काम कंप्लीट करके खाना खाएंगे। सुबह का खाना हम अब खा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, कलिंगड़ खाकर सब हमारी भूख मिट गई थी, तो अब भूख लगने लगी यार। तो चलो भिंडी की थैली को झाड़ के नीचे रखते हैं। यहाँ देखो हमारी मिर्ची छोटी छोटी अभी लग रही है, जब बड़ी होगी तब इस पे ही ब्लॉग बनाएगी एक और। चलो अभी ये पपैया, ये हमारा छोटे छोटे पपैया है, इसे हम ये पपैया, ये भी बहुत छोटा है, जब बड़ा होगा तब वीडियो बनाने में मजा आएगा। ये देखो ये पपैया, ये मिर्ची, उधर भिंडी, क्या क्या क्या, क्या बताऊं तुमको। तो चलो अभी बहुत धूप है, झाड़ के नीचे जाते हैं। फाइनली झाड़ के नीचे, बहुत बढ़िया छाव है यहाँ तो। अभी हम खाट के ऊपर बैठकर आराम से खाएंगे, नहीं नीचे ही खाएंगे। और वो खाट नहीं, ये खाट पे हम बैठेंगे आज। ये बनाया तू? तू बनाया है? वाओ सो नाइस रे ब्रो, सो नाइस मेरे बेटा। तो चलो पहले खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं, कंटिन्यू रहो, एंजॉय करो। ओ फ्रेंड्स, खाना देख सकते हो, अचार है एक डब्बे में, बाजरी रोटी, आलू की सब्जी है दो डब्बे में, आलू की सब्जी और ये हमारा साल्ट,
और एक डब्बा इधर, एक डब्बा। अभी सब ओपन करके खाएंगे यार, बहुत भूख लग रही है, तो चलो खाते हैं। तो पब्लिक सच में बताना, खेत में खाना खाने का मजा किस किस को आता है? यार तुमको तो आता है, मेरे सब्सक्राइबर को बोल रहा मैं। सच में बताना कितना अच्छा लगता है बहुत ही मेहनत करके और खाना खाने का कितना अच्छा लगता है, सच में बताना यार। मुझे तो बहुत ही मजा आता है, ऐसी चटनी मिल जाए और एक अचार मिल जाए और बाजरे की रोटी मिल जाए, वाह काम ही हो जाता है। मेरा डब्बा तो एंड हो गया, तब भी अभी मैं ले रहा हूँ और लूंगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली खाना खाके हो चुका है कंप्लीट, तो अभी आम खाएंगे यार, बहुत पक्का आम है। चलो देखते, अनबॉक्सिंग करते हैं आम का, कैसा है क्या है अंदर, तो चलो देखते। सो फ्रेंड्स, फाइनली तो पका हुआ आम है, देख सकते हो आप लोग, बहुत खाने का मजा आएगा यार, साथ ही साथ बहुत ही मीठा है, बहुत ही मीठा, क्या बताओ। वो हमारा झाड़ है, वह देख सकते हो, वो अपना दादू गया ऊपर आम लेने के लिए, शाकी आम, दो तीन आम पड़े थे नीचे तो हम उठा के ला लिया, तो हम खा रहे हैं, हम दोनों भाई खा रहे हैं और दादू ऊपर गया है लेने के लिए झाड़ पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली बाइक के पास हम हमारी भिंडी की थैली ला लिया है, अभी घर ले जाएगी उसको और बेचूंगा मैं, 4:30 बजे निकलूंगा घर से और 6-7 बजे तक पूरा एंड करके आ जाऊंगा। और देखो अभी गाड़ी पे ले जाऊंगा घर, पीछे दादू बैठेगा, मैं आगे बैठूंगा और हम घर जाएंगे। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग तुम्हें कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट में, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके जाओ, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ताकि तुम लोग आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप क्लिक करके आराम से मेरे वीडियोज देख सकते हो। सो मिलता हूँ अब तुमको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, सी यू अगेन।